हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे कर रहे हैं, क्या चल रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में? बढ़िया ही चल रहा होगा, है ना? आज के ट्रेड्स देखे आपने? अशोका लेलैंड, M&M, इंडिगो, जो स्टॉक आप बोलो वो चला था। कैश के स्टॉक कंसोलिडेट कर रहे हैं, बट जिस दिन ब्रेकआउट देंगे 10-15% का मूव अनअवॉइडेबल होगा। मैं बता रही हूँ, आप ध्यान रखिएगा, जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान रखिएगा। अभी 2-3 दिन पहले किसी ने मुझसे लाइव ट्रेडिंग में पूछा था कि उन्होंने M&M ले रखा है, आई डोंट नो व्हाट दे हैव टेकन, ही हैज टेकन कैश लिया था कि FNO लिया था, बट वो बहुत बहुत परेशान थे। एक तो ना, परेशानी तभी होती है, हार्ट तभी पैल्पिटेट करता है जब आप बहुत बड़ी क्वांटिटी ले लेते हो। मॉडरेट क्वांटिटी लो ना, आपके पोर्टफोलियो का केवल 5% आप लगाओ एक स्टॉक में, तो आपको कभी पैल्पिटेशन नहीं होगा। और उसका भी आप जो भी अपनी क्वांटिटी लगाई है उसका स्टॉप लॉस रखो, बहुत क्लियर स्टॉप लॉस रखो। अगर हिट होता है तो एग्जिट करो, दोबारा एंट्री मिलेगी दोबारा एंट्री ले लो। बट आप लोग वो सब नहीं करना मांगते हो, राइट? बट खैर, एनीवे, धीरे धीरे करोगे, मुझे पूरी उम्मीद है करोगे। आज मैं बात करूंगी एक IPO के ऐसे स्टॉक की जिसको कि बजट से बहुत बेनिफिट होने वाला है। वहां जाने से पहले मैं पूछूंगी आप लोगों से कि आपने इक्सिगो में ट्रेड किया था क्या? इक्सिगो ने आज देखिए अपने पास्ट बैनर को ब्रेक करके आपको स्ट्रेट अवे 10% का मूव दिया था। स्ट्रेट अवे स्ट्रेंथ दिखाई स्टॉक ने, सीधा इसने ब्रेक किया और 10% का मूव, 176 से लेके 196, पूरा 10% से ज़्यादा का मूव आपको दे दिया आज के दिन में। तो आपने अगर ऑफिस मैं आपको जो भी ऐसे निकाल के देती हूँ ना स्टॉक, आप देखिए जनरली उनमें कितना ज़बरदस्त ब्रेकआउट आता है। आपको दिया था ये 451 पे और इसने जाके हाई लगाया है 700 समथिंग के आसपास का, 757 का हाई लगाया ऑफिस ने। तो इसी कैटेगरी का एक और स्टॉक में लेके आए, और इस स्टॉक की खासियत यह है कि इसको बजट से बेनिफिट होने वाला है। लाइक बजट के आने से जो जो स्कीम्स आई हैं गवर्नमेंट की, उससे स्टॉक को बेनिफिट होने वाला है। तो पहले चलते हैं, इस बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स की। और स्टॉक का नाम है डी डेवलपर्स, राइट? और इसकी मार्केट कैप है 2643 करोड़, पी बहुत ज़्यादा है 101 पे, ROC इज़ अबाउट 8.9% एंड RO इज़ अबाउट रफली 6%। अगर बात करें काम के स्पेस में करते हैं, सो दे आर बेसिकली डी डेल इज इनका शॉर्ट फॉर्म है। दे प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड प्रोसेस पाइपिंग सॉल्यूशन फॉर इंडस्ट्रीज लाइक ऑयल एंड गैस, पावर इंक्लूडिंग न्यूक्लियर, केमिकल एंड अदर प्रोसेस इंडस्ट्रीज थ्रू इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग। अगर इनके बिजनेस प्रोफाइल की बात करें, द कंपनी मैन्युफैक्चर्स एंड सप्लाइज पाइपिंग प्रोडक्ट्स सच एज हाई प्रेशर पाइपिंग सिस्टम्स, स्पूल्स, हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्शन पाइप्स, पाइप बेंड्स लॉन्गिट्यूडनली सबमर्ज्ड एटसेट्रा, आर्क वेल्डिंग पाइप्स, फिटिंग प्रेशर वेसल्स, स्टैक्स, मॉड्यूलर स्किड्स एंड एक्सेसरीज लाइक बॉयलर, सुपर हीटर कोयल्स एंड वेरियस अदर थिंग्स। सो बेसिकली दे आर क्वाइट हैविंग अ निश सेगमेंट, मे नॉट बी हैविंग अ ह्यूज कॉम्पिटिशन। एनी वे, अगर हम बात करें तो दे आर इन टू पावर जनरेशन, दे आर इन टू विंड टर्बाइन बिजनेस, दे आर ट्राइंग टू एक्सपैंड देयर कैपेसिटी। एंड अगर बात करें इनके जियोग्राफिकल रेवेन्यू बाइफर्केशन की, तो कैनाडा से 15%, थाईलैंड से 9%, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 6%, स्विट्जरलैंड 4%, इटली 4%, मलेशिया 2%, जर्मनी 2%, जापान 3%, इंडिया 55%। अगर बात करें इंडस्ट्री वाइज, तो ऑयल एंड गैस से 51.5%, पावर 34%, प्रोसेस इंडस्ट्रीज 2% एंड अदर्स अबाउट 12.5%। अब बात करते हैं इनके अदर फंडामेंटल्स की। तो सेल्स की अगर हम बात करें, तो मार्च 2023 से इनकी सेल्स में थोड़ा इंक्रीमेंट हुआ है, ऑल्दो देयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स हैव बीन कॉन्स्टेंट। अगर बात करें कि इनके नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट इज़ ऑल्सो ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट एट 12 करोड़। EPS जो है वो थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, हालांकि पॉजिटिव है। अगर हम ईयर ईयर की बात करें, तो 2020 में सेल्स थी इनकी 723, तो बहुत ज़्यादा कोई इंक्रीमेंट नहीं है। इनफैक्ट 2021, 2022, 2023 में थोड़ा सा डिक्लाइन आया था, और अब थोड़ा सा इंक्रीमेंट आया है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, तो वो स्टेबल थे, मतलब 12 और अब 13% के हैं। नेट प्रॉफिट्स की बात करें, तो 2020 से लेकर अब तक इनके नेट प्रॉफिट्स डबल हो चुके हैं, 13 करोड़ से अब 26 करोड़ हो गया है। EPS पॉजिटिव है। उसके बाद बात करते हैं कि इनके रिजर्व्स और बोरोइंग्स की बात करते हैं, तो रिजर्व्स एंड बोरोइंग्स ऑलमोस्ट ऑन द सेम ट्यून, सो दैट इज़ फाइन, नॉट बैड। एंड अगर हम बात करें कि इनके प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑपरेशंस, तो देर आर जनरेटिंग प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑपरेशंस।
नेट कैश फ्लो की बात करें तो दैट इज पॉजिटिव। डेटर डेज जो है थोड़े से रिड्यूस हुए हैं फ्रॉम 120 टू 146 से 90 पे आए हैं। और अगर प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो 70% प्रोमोटर्स होल्डिंग है, FIs होल्डिंग इज 5.8%, DIs होल्डिंग इज 12% एंड पब्लिक होल्डिंग इज अबाउट 11.86%। अब चलते हैं बात करते हैं कि इनका प्राइस कैसा है और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। सो ये डी डेवलपर है आपके सामने और ये आप देख सकते हैं इनकी IPO की कैंडल है ऑन दिस पर्टिकुलर डे, राइट, विच इज 26 जून, जस्ट अबाउट अ मंथ बैक। उसका हाई और लो मैंने मार्क किया है तो इट ट्रैवल क्वाइट इन बिटवीन, बट लो नहीं ब्रेक किया है, दैट्स अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इट ट्राई टू ब्रेक द हाई, आप देखिए नीचे वॉल्यूम्स आए हैं, यहाँ पे वॉल्यूम्स के साथ इसने हाई ब्रेक करने की कोशिश की है। अब क्या है कि ब्रेकिंग दिस कैंडल्स हाई इज गोइंग टू बी ऑफ एक्सट्रीम इम्पोर्टेंस। 400 के ऊपर अगर ये जाता है स्टॉक तो इसमें आपको अच्छे खासे टारगेट्स 400, 450, 460, 470, अबव 400 वी कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ 500, 550, 600 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं आने वाले 6 महीने में। तो इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि इस स्टॉक को बजट से बेनिफिट हो रहा है, जो बजट की पॉलिसीज है उससे इस स्टॉक को स्ट्रेंथ मिल रही है। और वॉट आई कैन सी इज इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट जो है धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। तो आप इसमें अब अपना, आपको क्या करना है, आपको अपना मनी मैनेजमेंट प्लान बनाना है। कैसे बनाएंगे आप, 400 पे आप कुछ क्वांटिटी खरीद सकते हैं, अगर ये नीचे गिरता है तो आप 365 पे कुछ खरीद सकते हैं, उसके बाद 340 पे आप अच्छे से एक्यूमुलेट कर सकते हैं और आपका हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेशन विल बी एट 310। अगर 310 पे गिरता है, विच इज डिफेंडेड ऑलमोस्ट लाइक फॉर 3-4 डेज, वहाँ पे आप जितनी कैपिटल चाहे उतनी डिप्लॉय कर सकते हैं, वहाँ से बाउंस लेगा ही लेगा। अगर आप लोअर लेवल पे बाय करते हो और लोअर लेवल पे ज़्यादा बाय करते हो तो आपका जो एवरेज कॉस्ट ना बहुत नीचे आ जाता है और आप जल्द ही प्रॉफिट में आ जाते हो। तो मनी मैनेजमेंट पे काम करो, रिसर्च तो मैं कर रही हूँ आपके लिए, आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। मनी मैनेजमेंट पे काम करो, मनी मैनेजमेंट इज़ द बिगेस्ट थिंग। अगर आपने मनी मैनेजमेंट सीख लिया तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर हो जाओगे स्टॉक मार्केट के अंदर। With this, I'll be signing off and do join me for live trading every single day from 10 to 11 and I will ensure that I give you the best trades. अगर आपने किसी भी ट्रेड से पैसे बनाए, चाहे M&M हो, चाहे अशोका लेलैंड हो, चाहे इंडिगो हो, चाहे जो भी स्टॉक्स देते, फोर्टिस हो, इक्सिगो हो, कितने सारे स्टॉक्स मैंने पीछे पास में 20 माइक्रोन दिया था, लोग लिख रहे थे कि मैं 20 माइक्रोन में फंस गया हूँ, आप लोग 1-2 रुपये नीचे जाते हैं आप लोग फंस जाते हो, ऐसा कैसे होता है? ये थोड़ी कि कल ही चलेगा, आपको एक होराइजन लेके चलना पड़ेगा कि 1 महीने का समय मैं दूंगा, इसमें 1 महीने में चलेगा स्टॉक। उतना पेशेंस आप लोगों के पास है नहीं, आपको तो रोज़ 10% चाहिए। आप लोग एक बहुत अनयूजुअल एक्सपेक्टेशन लेके मार्केट में आते हो, अंबानीज आते हैं 10% की एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं, आप हर रोज़ 10% के लेके आते हो। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ स्लो एंड स्टडी एंड अ बोरिंग बिजनेस, एंड दैट्स द डिफरेंस बिटवीन फास्ट क्विक एंड क्विक loss business which is almost like a lottery. So start understanding the difference between boring work which is rewardable, which is highly rewarding, on quick work which can take away all your capital. Jis din wo difference samajh mein aayega, aap log phansoge nahi trade mein, aapko money manage karna aa jayega. Bye bye, take care, zyada ho gaya gyan, bye bye, all the best, see you in the next video.